इंडिया वास्ट कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट स्ट्रेच अक्रॉस अबाउट 3200 किलोमीटर एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट स्ट्रेच अक्रॉस अबाउट 3000 किलोमीटर। इट इज सराउंड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। मतलब भारत एक बड़ा देश है, यह नॉर्थ से साउथ में 3200 तक है और ईस्ट टू वेस्ट में 3000 किलोमीटर, और इसके तीन भाग पानी से घिरे हुए हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरेबियन सी वेस्ट में, द वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। वे ऑफ बंगाल ईस्ट में और इंडियन ऑफ साउथ में। टू इट्स नॉर्थ देयर आर हाई माउंटेन रेंज द हिमालय। इसके उत्तर में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इंडिया लैंडस्केप इज वेरी वेरी। भारत के लैंडस्केप बहुत विविध या बहुत विभिन्न है। इट कैन बी डिवाइड इंटू सिक्स फिजिकल डिवीजन। द नॉर्थन माउंटेन्स, द नॉर्थन प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिसाइड, द पेंसुलर प्लेन, द कैस्ट्रोल प्लेन्स एंड द इसलैंड। मतलब भारत के लैंडस्केप बहुत ही विविध है। द्वीपों को छह समूहों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है जैसे उत्तरी पर्वतों, उत्तरी मैदानों और महान भारतीय रेगिस्तान, प्रायद्वीप पठार और तटीय मैदानों। लुक एट द मैप ऑफ इंडियन गिवन एच द आइडेंटिफाई दी सिक्स रीजन। आगे दिए गए नक्शे देखें और इन छह क्षेत्रों की पहचान करें। द ब्राउन फॉर्टेस, द ब्राउन फॉर्टेसन इन द नॉर्थ, द नॉर्थ द हिमालय माउंटेन। मतलब उत्तर में ब्राउन फॉर्ट हिमालय पहाड़ों को दर्शाता है। दे फ्रॉम द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। वे भारत की उत्तरी सीमाएं बनाते हैं और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मैनी रिवर हैव देयर स्योर इन दीज माउंटेन। इन पहाड़ों में कई नदियों का स्रोत है। द ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन। महान पश्चिम मैदान हिमालय के पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है। हियर द लैंड इज फ्लैट एंड फीटेड। यहाँ भूमि समतल और उपजाऊ है। दिस इज व्हाई मैनी फूड क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। यही कारण है कि यहाँ कई खाद्य फसलें पक रही हैं। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट और महान भारतीय रेगिस्तान आल्सो नोन एज द थार डिजर्ट। महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत की उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। दिस इज अ ड्राई सैंडी एरिया विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। यह एक सूखा रेतीला क्षेत्र है जिसमें बहुत कम वर्षा होती है। द प्लेटू रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप। पठार रीजन आकार की त्रिकोणीय है। इट लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एंड एक्सटेंड टिल
Kanyakumari, the southernmost tip of peninsular India. यह उत्तरी प्रांत के दक्षिण में स्थित है और प्रायद्वीप क्षेत्र के दक्षिणी सिरे तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल कोस्टलाइन ऑन बोथ इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड. भारत के पूर्वी और पश्चिमी साइड में सुंदर तटीय मैदान है, सुंदर तटीय किनारा है. द स्ट्रॉन्ग प्लेन्स ऑफ सी द लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द लैंड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. पश्चिम में पश्चिमी घाट और अरेबियन सी के बीच और पूर्व में पूर्वी घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच जमीन घेरते हैं या जगह घेरते हैं. देयर आर इजलैंड चाइना और बोथ साइड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. भारतीय प्रायद्वीप के दोनों ओर द्वीप श्रृंखलाएं हैं. द इजलैंड फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल आर द अंडमान निकोबार इजलैंड. बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप हैं. एंड द इजलैंड फाउंड इन द अरेबियन सी आर द लक्ष्मण द्वीप समूह. यानी कि बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप हैं तथा अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप लक्षद्वीप समूह. द यूनियन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. संघ भारत संघ को 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है. द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. संगठन केंद्र शासित केंद्र सरकार के अधीन है. भारत संघ को 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है. संगठन केंद्र सरकार के अधीन है. द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. राज्यों और संघ क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाइयां कहा जाता है. देयर आर फॉर्मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल. वहां के आधार पर बनते हैं लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट. राजस्थान सबसे बड़ा देश है या सबसे बड़ा राज्य है. एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट और गोवा सबसे छोटा राज्य है. उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है एंड आल्सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. Gracias.